अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम। आप देख रहे हैं पाक मोटो व्लॉग। बहुत ही अरसे बाद, समझे कि ओवर मतलब डेढ़ महीने से भी ऊपर के टाइम के बाद मैं आपको सीजी होंडा सीजी 125 जो है मेरा मॉडल 2019 स्पेशल एडिशन सेल्फ वाला, उसके साथ मैं आपको नज़र इसलिए आ रहा हूं कि आज बहुत दिनों बाद इसका एक तो इंजन ऑयल बड़े अरसे का ड्यू था और इंजन ऑयल भी इसका रिप्लेस करते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ कि कितना चल गई है और इंजन ऑयल कौन सा डालना है वो भी दिखाता हूँ और साथ साथ सारी चीज़ें दिखाता हूँ। बाहर हो रही है बारिश ऐसे, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 30,636 और जनाब आज के दिन इसका इंजन ऑयल रिप्लेस करने लगा हूँ। बाहर हो रही है बारिश और मिट्टी से भरा हुआ है, बहुत दिनों से नहीं चलाया। और सबसे पहले क्या करते हैं कि जी इसको थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं जी, बहुत दिनों से स्टार्ट नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, कुछ देर स्टार्ट रखते हैं व्यूअर्स ताकि इसका इंजन ऑयल थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। मेरा ख्याल है व्यूअर्स वार्म अप हो गई है और इसको अब करते हैं बंद और अब स्टार्ट करते हैं इंजन ऑयल रिप्लेस करना। व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि 24 mm का आपको चाहिए स्पैनर ही मैं रिकमेंड करूंगा। आप मतलब ओपन मूव वाला पाना ना करें क्योंकि स्लिप हो सकती है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 24 mm का ये इसका बोल्ट है जो हमने खोलना है इसको, और उसके बाद हमने एक डब्बे में इसको पुराना ऑयल निकालेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी देर बाद व्यूअर्स खोला है और पुराना ऑयल हम निकाल लेंगे इसमें और इसको उठा के रखना इसलिए पड़ेगा कि इसके पीछे फिल्टर भी होता है और स्प्रिंग भी होता है, एक वॉशर है रिंग वाली, ये भी आपने देखना है कि कहीं इधर उधर ना जाए। बहुत गंदा ऑयल है और मैं ये तो व्यूअर्स हो नहीं सकता कि आपके हाथ ना भरें। और ये है जी फिल्टर, ऑयल काफ़ी गंदा है, बहुत ही अरसे बाद इसका इंजन ऑयल रिप्लेस हो रहा है। मीनवाइल हम ये चीज़ें साफ कर दें। फ्लो ज़रा बेहतर आए तो जहाँ से हमने इंजन ऑयल डालना है उसको भी खोल लेते हैं। इसमें व्यूअर्स के यहाँ से भी एयर जाएगी तो प्रॉपर तरीके से ऑयल जो निकलना है जितना निकलना है वो निकल जाएगा। इसको साफ भी कर लेते हैं। इसको हमने साफ कर लिया अच्छे से और चलिए इंजन ऑयल आपको दिखा दूं जी फिर से। कई दफ़ा बताया है एटलस होंडा का डाल रहा हूँ 10W30, यही रिकमेंडेड है इसके लिए। जो स्पेशल एडिशन होंडा सीजी 125 सीबी 125F और होंडा सीबी 150F, इन सब में यही वाला रिकमेंडेड होता है और यही हम इसमें डालेंगे। देखते हैं जी कितना को निकल गया। अच्छा, ऑलमोस्ट काफ़ी निकल गया, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हम इसको इस साइड पे हल्का सा वहाँ से यहाँ पे टिल्ट, बहुत हल्का सा, हालांकि आमतौर पे रिकमेंड नहीं करते लेकिन बहुत थोड़ा सा अगर कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। ख़ास चीज़ मैं व्यूअर्स बताऊँ कि जैसे फिल्टर आपने लगाना है तो फिल्टर आपने यूँ लगेगा, ये देखिए
यूँ लगेगा और ये डायरेक्शन जाएगी, यानी ये ना हो कि आप इसको यूँ लगा दें और इधर से नट, नहीं वो फिर फ़ायदा नहीं है। इसको आप लगाएंगे यूँ। अच्छा, ऑयल वियर्स पूरा निकल चुका है, इधर भी हम थोड़ा साफ कर लेते हैं इसका मुंह, और मेरे ख्याल है डब्बे को अब साइड पे कर देते हैं। और ये आपको मैं अब दिखाता हूँ, ये भी देखें ज़रा, अब लाइट इतनी नहीं है यहाँ। चूड़ी बड़ी देख के व्यूअर्स चढ़ानी होती कि अगर गलत हो गई तो ये ख़राब हो जाएगा सारा। और इसका बेहतर ये कि हैंड टाइट इसको, ताकि आपको पता चल जाता है कि भाई चूड़ी सही चढ़ी है। इसको अब मैं गोटी से, हमने सब साफ कर दिया था, अहमद की हेल्प लेंगे। अहमद जरा इसको टाइट कर दे। बस ओके हो गया, ये व्यूअर्स टाइट कर दिया। अब डब्बा खोलते हैं इसका। मेक श्योर व्यूअर्स के ये सील हो। पूरा डलता है व्यूअर्स इसमें डब्बा। हर 1000 पे रिकमेंडेड है जी, हर 1000 किलोमीटर चला के आपने रिप्लेस करना है। पूरा ऑयल डल चुका और इसको हम बंद करते हैं। स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्टार्ट करने के बाद व्यूअर्स एक दफ़ा आप बेहतर है कि देख लें कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है यहाँ पे इसके जो नट है ड्रेन वाला। और जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके है। रीडिंग फिर बता दूँ आपको, 30636। अब अगली खैर मैं इसकी ये कर लूँगा, समझें कि 3200 पे इसका ड्यू है, यानी 1000 से थोड़ा ज़्यादा चलेगी, लेकिन ये है कि प्रॉपर फिर आ जाएगा राउंड फिगर पे, यानी 32000 पे इसकी नेक्स्ट। जी तो व्यूअर्स आपने देखा इंजन ऑयल चेंजिंग की, बहुत से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जी मिस कर रहे हैं सीजी की, ना आप राइड दिखा रहे हैं ना कोई वीडियो आ रही। तो क्योंकि इंजन ऑयल ड्यू था और भी कुछ काम होने हैं, और इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी और राइड्स भी आती रहेंगी, इसकी भी आएंगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स की भी आएंगी, और भी जो छोटी मोटी चीज़ें वो मैं इसकी करवाऊंगा। तो व्यूअर्स जिसने अभी तक पाक मोटर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे पता चले भाई आप होंडा सीजी 125 की देखना चाह रहे हैं या क्या वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं। और अगली वीडियो में मैं बहुत ख़ास आपको एक बात बताऊंगा, यानी कि मेरे पास एक ऐसी बाइक है जो अब मेरे पास नहीं है, वो कौन सी है। अभी अगले वीडियो में आप रहें और उसमें जो भी आपके सवालात होंगे नेक्स्ट, वो मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूं आपका वीडियोज़ में भी बाय नेम। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।